फ्रेंड्स, राधे राधे। श्यामा गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और हम अब सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट हैं जो उन्हीं की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देसी कलंचों पे। अगर आपके पास देखिए पुराने प्लांट हैं तो उनकी भी थोड़ी सी केयर बताऊँगी। अगर पुराने प्लांट हैं तो देखिए इस तरह से कोई आपकी इसकी डंडियाँ सड़गल गई हैं, ये देखिए फंगस लगी हुई है इनमें, रूट रोट है। तो इस तरह की डंडियों को पहले तो आप निकाल दीजिए, गमले को बिल्कुल साफ़ कर दीजिए। देखिए अंदर कोई कोई ना डंडियाँ टूट के गिरी हुई है, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा सा कच्चा पौधा होता है, मतलब टहनियाँ नाजुक सी होती है। ये जब ऐसे लटक जाती है ना तो हाथ उठ लग जाए तो ये टहनियाँ बहुत जल्दी से टूट जाती हैं। ये देखिए इसमें पुराना है ये पौधा मेरा बहुत। तो ये देखिए इस तरह से ना पिछले साल का ये तो अगर इस तरह से कोई फंगस वंगस लगी हुई, कोई डंडियां हैं, सड़े गले पत्ते हैं, सूखी टहनियाँ डंडियां, तो उन सब को हम पहले तो निकाल देंगे। और ये प्लांट जो है दोस्तों पेरिनियल प्लांट है और ये फूल तो सर्दियों में देता है मगर ये पूरा साल आपके गार्डन में हरा भरा रहता है। और इसके जो पत्ते हैं ये बहुत ही देखने में, देखिए कितने सुंदर लगते हैं पत्ते। और पत्तों की ही, अगर ये फूल पूरे साल नहीं देता मगर ये पत्तों की जो इसकी बनावट है और हरियाली है तो ये हमारे गार्डन में ये पूरे साल बनाए रखता है। तो इसलिए ये पेरिनियल प्लांट में आता है दोस्तों। और एक आता है हाइब्रिड, तो वो भी उसको हम संभालते तो हैं मगर गर्मियों में उसको ना थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कम केयर में ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट है। इसको ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो जो फ्रेंड्स बालकनी गार्डन करते हैं, जिनके घर में कम जगह है मगर फूल चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लांट है कलंचो, देसी कलंचो। और हाइब्रिड कलंचो की थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये देखिए, मैं तो बिल्कुल ये वेस्ट कंटेनर में लगे हुए हैं मेरे सारे। ये भी मेरा पॉट बिल्कुल टूटा हुआ है, इसमें लगा रखा है। और एक ये पॉट फ्री पड़ा था तो इसमें वैसे ही डाल दी थी मैंने डंडियाँ, तो देखिए इसमें भी होया हुआ है। तो अब हम इसको, मौसम आ गया इसका तो इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। मैं आज वही मैं इसको करने के लिए, इस पर वर्क करने के लिए उठाया था, तो मैंने कहा चलिए आपको भी इसका ना वीडियो बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो आपने क्या करना है, और अगर आपके पास नहीं है, एक आधा ही प्लांट है, तो इसमें से एक में से अनेक प्लांट भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए सभी मेरे तो टूटे फूटे गमलों में ही लगे हुए हैं, क्योंकि ये बेचारा बहुत कम डिमांडिंग वाला प्लांट है, बिल्कुल ही डिमांड कुछ भी नहीं करता, ना खाद ना पानी ना इसको धूप ज़्यादा चाहिए। तो इसको जहाँ भी आप रखोगे ना भी ईजीली रह लेता है ये प्लांट। तो ऐसे ऐसे प्लांट जिनके पास समय कम है और फूल चाहते हैं तो वो लोग इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हल्की सी हमने गुड़ाई कर देनी है। जब आपका गमला की आपने साफ़ सफाई कर ली है, उसके बाद आपने हल्की हल्की सी इसकी गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करके, और इस समय आप इसमें, अगर आपके पिछले साल के प्लांट है तो ये मैं उसके लिए बता रही हूँ, आपने इसमें गमले के हिसाब से एक से दो मुट्ठी फर्टिलाइज़र दे दीजिए। आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो गोबर की खाद डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। बस उसके बाद आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, और ज़्यादा इसको रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, एक दो साल आराम से चल जाते हैं ये प्लांट एक ही गमले में। और मैं क्या करती हूँ, जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है ना, उस समय मैं इसकी ये जैसे टिप है इसके दो पत्ते ना ऐसे हटा देती हूँ, दो पत्तियाँ, तो इसी में से आगे 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 ब्रांच बनती चली जाती है। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी ना, ये देखिए पहले मैंने कभी इसमें पिंचिंग करी होगी तो देखिए एक और दो और एक और इधर साइड से निकल रही है, तो तीन ब्रांच निकल रही है। तो इस तरह दोस्तों, आपके पास पुराने प्लांट है ना तो आप इसको पिंचिंग करके और इसको घना बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांच निकलेगी। जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलेगी उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो बस इसमें आपने फर्टिलाइज़र डाल देना है, और बहुत अगर आपके एरिया में अभी तेज़ धूप है तो सुबह सुबह की दो चार घंटे की धूप में रखिए इसको, और सर्दी में हम इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी इतनी तेज़ सनलाइट होती नहीं है, और मेरे जैसे एरिया में तो वैसे ही धूप की कमी रहती है। सर्दियों में बादल रहते हैं, यहाँ पे कोहरा पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इसको उस टाइम हम फुल सनलाइट में इसको रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको धूप ज़रूरी होती है दोस्तों।
धूप के बिना फिर प्लांट हमारा फ्लावरिंग नहीं करता। बढ़ेगा तो बहुत, ये पत्ते भी बहुत आएंगे मगर इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि पुराना प्लांट है आपके पास और ऐसे ऐसे मेरी तरह इतना घना हो गया है तो हम क्या करेंगे, नीचे नीचे की थोड़ी सी पत्तियाँ रिमूव कर देंगे। उससे क्या होगा कि पौधे में एरिएशन बना रहेगा, थोड़ा सा क्रॉस हवा होगी, इसके नीचे जड़ों में हवा लगेगी। पौधों को धूप और हवा लगना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्स्ट्रा पत्ते अगर ज़्यादा हैं, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पत्ते, तो थोड़े थोड़े ना नीचे के पत्ते हम निकाल देंगे। कुछ तो ये वैसे भी टूट टूट के गिरे हैं, हम गुड़ाई करी ना जैसे मैंने, तो थोड़े से पत्ते अपने आप भी हो गए। तो ये पत्तों को सबको मैं निकाल दूँगी। अगर नए भी निकले हुए हैं तो नीचे नीचे के पत्ते दोस्तों थोड़े से रिमूव कर दीजिए, थोड़ी सी इसको नीचे मतलब मिट्टी हमें दिखे तो बना के। तो इसी तरह ये दूसरे वाला जो मेरा पॉट है इसको भी मैं गुड़ाई कर लूँगी फ्रेंड्स, और नीचे के जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं वो सारे हम निकाल देंगे, और ताकि हमें इसकी थोड़ी सी ना नीचे की मिट्टी दिखाई दे और इसमें मिट्टी में हवा और सनलाइट भी लगती रहेगी। तो इस तरह से हमने अपने गमले की पूरी सफाई कर ली है। देखिए इसमें भी अब हमें मिट्टी दिखने लगी है। और ये वाला कटिंग पहले थोड़े दिन पहले गई थी तो ये गमला बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसी में देखिए मदर ऑफ थाउजेंड के भी बेबी प्लांट गिर गिर के ना इसमें बेबी प्लांट ग्रो हो गए हैं। और ये कुछ स्टेम मैंने एक्स्ट्रा थी वो निकाल दी हैं, पत्तियाँ भी निकाल दी हैं। अच्छा दोस्तों देखिए इस तरह की ये सारी पत्ती और कचरा निकाल, इस तरह की मैच्योर पत्ती हैं। ये देखिए इसका तो ये टूट गया है डंडी, और मैच्योर पत्तियाँ निकलती हैं आपके पास इस तरह से। तो आप इसको भी ना ऐसे मिट्टी में लगा दीजिए। आपके पास पौधों की कमी है, कहीं से आपको एक आधी ही डंडी मुश्किल से मिली है, तो आप इस तरह से ना इसको मिट्टी में, ये देखिए अभी तो इतना बड़ा नहीं होगा इस सीजन में, मगर हाँ आपका प्लांट बन जाएगा ये, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट है तो आगे के लिए आपका ये प्लांट बन जाएगा। इसका थोड़ा रिजल्ट लेट मिलेगा आपको, मगर हाँ इसमें से पौधा ज़रूर मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये पौधा हमारे पास नहीं है तो कहीं से हमें एक दो पत्ती भी मिल जाती है ना, तो इस तरह से आप पत्ती को भी मिट्टी में लगा देंगे तो ये भी आपका बिल्कुल प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। इसमें से रूट आएगी और रूट में से ही फिर ये पौधा छोटे छोटे पौधे बनेंगे, और ये अगले साल तक आपके बहुत अच्छे से प्लांट हो जाएंगे और अगले साल आपको अच्छी सी फ्लावरिंग देंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मगर जब हमारे पास प्लांट नहीं है और कहीं से इस तरह की पत्ती मिल जाए तो उसको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको गुड़ाई भी कर ली है और सफाई भी कर ली है। अब हमने इसमें से एक एक दो दो मुट्ठी अपने पॉट के साइज़ के अनुसार, और एक पॉट में हमारे पास कितने प्लांट हैं उसके अनुसार हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो मैं इसमें एक से दो मुट्ठी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी बिल्कुल भी। और फंगस से बचाने के लिए बिल्कुल आधा चम्मच मैंने इसमें फंगीसाइड डाल दिया है। तो ये फंगीसाइड है और वर्मी कंपोस्ट है, इन दोनों को मिक्स करके और ये वाला मैं एक एक मुट्ठी इसमें डालूँगी। ज़्यादा खाद मैं इसमें नहीं डालती, ये जब बस फ्लावरिंग पीरियड में आता है ना मैं इसमें खाद तभी डालती हूँ, उसके अलावा मैं इसको उसके बाद फर्टिलाइज़र नहीं करती। और उसके बाद क्या करूँगी मैं, जब भी हमारे दूसरे जो फ्लावरिंग प्लांट है उसको मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी उस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें डालती रहूँगी, जैसे कि केले का छिलका है, प्याज का छिलका है, इस तरह के फर्टिलाइज़र मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो बस इतना सा फर्टिलाइज़र इसके लिए सफिशेंट है दोस्तों। और उसको उसके बाद हमें इसको मिक्स कर देना है फर्टिलाइज़र को, और मिट्टी से ढक देना है, वर्मी कंपोस्ट और फंगीसाइड जो भी हमने डाला इसको थोड़ा सा ढक देंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत इजी केयर वाला प्लांट है, आपने इसकी ज़रा भी टेंशन नहीं करनी कि ये डंडी टूट गई है तो ये ख़राब हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, इसका बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। जैसे ही आपको लगे कि डंडी टूट रही है कोई नहीं, आप उसको डंडी को वहाँ से निकाल के साफ़ सुथरी करके और फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने उसकी सारी निकाल दी है और अब बस ये डंडियाँ मैं ऐसे ऐसे मिट्टी में लगा दूँगी और ये बिल्कुल आराम से लग जाएगी और ये इस साल फूल भी देगी मुझे। तो देखिए कुछ तो जड़ के साथ भी हैं सारी, तो मैंने इनको सबको रिपोर्ट कर दिया और हमने डाल दिया इसमें फर्टिलाइज़र। और अब हम डाल देंगे इसमें हल्का हल्का पानी, पानी इसको ध्यान रखना है दोस्तों, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, पानी ये बिल्कुल पानी की डिमांड ज़्यादा नहीं करता है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये सकुलेंट है और इसकी पत्तियों में पानी होता है। अगर आप पानी डालेंगे ज़्यादा तो इसमें फंगस लग जाएगी और इसकी डंडियाँ जो हैं इस तरह से ना सड़ गल जाती हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका ना प्रोपोगेशन बताती हूँ। अगर आपके पास एक प्लांट है और एक में से बहुत सारी फ्लावरिंग चाहते हैं, बहुत सारे प्लांट चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से डंडी ले लीजिए और थोड़ी सी नीचे की पत्ती हम रिमूव कर देंगे। और जो भी आपके पास सॉइल मीडिया है, आप प्योर सैंड यूज़ करना चाहते हैं तो प्योर सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं जो मेरा बना बनाया सॉइल मीडिया है, मैं इसी में इसकी कटिंग लगाऊंगी। इसमें मैंने सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है और हल्का सा फंजीसाइड डाल दिया है मैंने। इस तरह से फंजीसाइड डाल के और हम जितनी भी हमारी कटिंग्स हैं उनके नीचे के पत्ते हल्के कर देंगे, नीचे के पत्ते हल्के करके। और आप इस तरह से पत्ते और हल्के करती हूँ मैं, थोड़े से इसके पत्ते ज़्यादा हैं। और इसकी वैसे भी पुराना प्लांट हो जाता है ना दोस्तों, तो ब्रांचें टेढ़ी मेढ़ी ऐसी ही चलती है, देखिए जिस तरह से है। तो मैं इसकी ना ये जो नीचे की गुलाई वाली ब्रांच है इसको मैं अंदर डाल दूँगी। उसके बाद देखिए ये ब्रांच ली है हमने, इसको भी हम ऐसे मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे। और इस तरह की जितनी भी आपके पास ब्रांच है उसको आप बस ऐसे मिट्टी में डालते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है कि कटिंग इसकी कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है इसका कटिंग लगाने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इसमें जैसे थोड़ी सी मेरी गीली मिट्टी है ना, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। आपकी बिल्कुल ड्राई मिट्टी, सूखी मिट्टी है तो आप पानी डाल दीजिए। मैं इसको बिल्कुल अभी लगा के छोड़ दूंगी और जब इसकी मिट्टी सूखेगी हल्की हल्की तभी मैं इसमें पानी डालूंगी। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है इसका। और इसको पॉट भी छोटे चाहिए, ज़्यादा पॉट, बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और बस इस तरह छोटे पॉट में लगा के आपको, अभी मैं इसको रखूँगी छाया में और उसके बाद जब ये अच्छे से लग जाएगी फिर मैं इसको ले आऊँगी सनलाइट में। तब तक थोड़ी सर्दियाँ भी ज़्यादा आ जाएगी और ये पूरी धूप सहने की इसमें वो आ जाएगी, क्योंकि अभी ये इसमें थोड़ा सा रूट बनेगी। जब तक रूट नहीं है तब तक थोड़ा पौधा हमारा नाजुक ही होता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो अभी हम इसको छाया में रखेंगे और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी सारे पौधों को धूप में। इनको तो सबको अभी भी मैं रख सकती हूँ धूप में। ये जगह मेरी ऐसी है जहाँ पर ये मैंने पुराना ये मेरा बेंच है इस पर रखे हुए, इसमें सुबह की दो से तीन घंटे की धूप आती है, उठते ही इसमें से मेरे यहाँ से धूप निकलती है और इस साइड फिर छाया होती चली जाती है। तो इसलिए मैंने ये सारे पौधे यहाँ रखे हैं, 2 घंटे की सुबह की धूप मिल जाती है इनको। तो अभी थोड़ी सी धूप भी हार्श है तो 2 घंटे की धूप इसके लिए सफिशेंट है। तो बस इसी तरह इसकी कलंचों की देखभाल करनी है दोस्तों, और इसमें भर भर के फ्लावरिंग आएगी। और इसका मेन टिप्स यही है कि आप पिंजिंग करते रहिए, पानी कम डालिए, धूप में रखिए और देखते रहिए कि कोई फंगस का अटैक ना हो। इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल कीजिए। और हमने एक बार कंपोस्ट डाल दिया, अब इसको पूरी सर्दी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे जैसे बाकी पौधों में देंगे, और इतनी ही केयर में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।